अधिकारी की पदाधिकारी की बात बिना सुने आप हावलड़ बचाओगे, न्यूसेंस क्रिएट करोगे डेलीगेशन की बात सुन के, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो भी होगा मिल बैठ के बात करेंगे, लेकिन अनुशासन आपको बनाए रखना पड़ेगा। बिना माइक के अपन बात कर रहे हैं। साथियों, लगातार सचिवालय में अधिकारियों से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन उन अधिकारियों से हम आए दिन मिल रहे, वो आप देखते हो ना। हमें बताता हूँ अधिकारी और के पिटारे में क्या था। सबसे बड़ी बात ये है, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आपका संगठन 4 बजे पुलिस प्रशासन की परमिशन पूरी होने के बाद भी, और अभी भी परमिशनों की चिंता नहीं कर रहा, 8 बजे तक आप यहाँ, 7:15 बजे तक मुख्यमंत्री जी के पास हमारे संगठन का इस कार्यक्रम का मैसेज गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राज्यपाल महोदय का अभी भाषण है, उसका रिप्लाई मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ही हुआ है उनके, OSD ने कहा। जैसे विधानसभा आए तो कई विधायकों ने उनके हालचाल भी जाने। मुख्यमंत्री जी ने संविधान कमेटी के अध्यक्ष माननीय BD कल्ला साहब को हमारी वार्ता के लिए नॉमिनेट किया। समय इसलिए लगा क्योंकि जब हम लोग पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी का आना हुआ, तो मुख्यमंत्री जी जब तक बोल के नहीं चले जाएंगे संक्षिप्त रूप में सदन में, तब तक कोई भी मंत्री और विधायक वहां से एब्सेंट नहीं रह सकते। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा के खुल के बात हुई, बाहर गाड़ी तक बात करते हुए आए मंत्री जी, लंबे समय तक एक एक बिंदु पर बात हुई है। कैसे आपको स्थायीकरण और ग्रेड पे सरकार देगी आने वाले समय में, कैसे शीतलन वाले साथियों की क्या टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, एक एक बिंदु पर बात हुई। शीतलन वाले साथियों की जो समस्या आई थी, ACS महोदय PK गोयल साहब का रिटायरमेंट था, अंतिम महीने में हमारी फाइल को किसी भी सूरत में नहीं निकालना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में कोई रिटायरमेंट हो रहा हूं मेरे पर कोई पीड़ा है। मंत्री जी ने, अर्पणा अरोड़ा मैडम ने जैसे कार्य भार संभाला, उनके लिए स्पष्ट तौर पर कहा दिया कि कल ही उन्होंने ज्वाइन किया है। ऑफिस टाइम में मैं उनको फोन करके, जब 13 जनवरी का वित्त विभाग का आदेश निकला हुआ है तो ये क्यों नहीं निकला, इसका मूल कारण क्या है, ये बात तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि मेरे जमाई ससुर कुछ है, उनकी डेथ हो गई है, मुझे TA की बैठक में जाना है, वरना आपके आदेश को कल किसी भी सूरत में आपको साथ ले जाके टाइप करके दे देते हैं। लेकिन ऑफिस टाइम में मैं 100% शीतलन आदेश करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। अब स्थायीकरण पर आ रहा हूं, इसलिए साथी सभी सुनना, उसके बाद में अपन स्थायीकरण के लिए उन्होंने कहा, BD कल्ला साहब हमारे लिए बहुत लकी रहे, जब हम पंचायत सहायक थे 76 दिन महापड़ाव डाला, तब BD कल्ला साहब के साथ मुलाकात हुई तो BD कल्ला साहब ने कहा कि आपको और आगे लेके जाएंगे, तो हम विद्यालय सहायक की CD पर आए, फिर हमारे साथ ही रहे 34 दिन बीकानेर में हापड़ाव रहा, उस दिन भी BD कल्ला साहब से मुलाकात हुई, शीतलन के वित्त विभाग के आदेश भी निकले, सिर्फ विभागीय प्रक्रिया में समय लगा, उसका कारण है हमारे विभाग के ACS का रिटायरमेंट, मूल कारण। स्थायीकरण के लिए उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री जी बजट में हाथ में हाथ डाल के जो उन्होंने कहा, आप अगर फोटो भी देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार ये कोई कसम वादे तो नहीं हो रहे हैं। आज से पहले कैसी वार्ताएं होती थी वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जितने भी डेलीगेशनों में गया हूँ स्पष्ट तौर पर खुल के बात हुई है। उन्होंने कहा कि बजट की बात को मेरे मुखारबिंद से नहीं बोल सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ तक आपको लेके आए, अनुभव किसी का जीरो कर नहीं रहे, बड़े बड़े मंच और मीडिया के माध्यम से जब स्वयं ही बोल रहे हैं। हमने कहा साहब 10,000 आज हमारे भाई बहन परिवार के साथ वहां बैठे हैं, वो सुनना चाहते हैं, आप बताइए कि 7 करोड़ राजस्थान की जनता भी सुनना चाहती है कि बजट में क्या है। कोई भी राजस्थान में 6,99,000 आदमियों को पता नहीं है, पता इन अधिकारियों को और हमको भी है, लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग है और सदन में वही आपके लिए संविदा कर्मियों के लिए 1,10,000 की हमने स्थायी करने की बात की थी, नियमित करने की बात की, एक सिस्टम के तहत सबको सिस्टम में लाकर कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी आपको 10 तारीख को बजट जो होगा उसमें आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए, ये उन्होंने बात कही।
अब आगे जो डेलीगेशन की वार्ता वो मैंने आपको बताई है। अब आगे हमारे संघर्ष के साथी भाई प्रवीण जी और भाई नरेंद्र जी दोनों आपको आगे बताएंगे। नहीं मैं भैया सुनो, अरे पुलिस बात सुनो, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। संतुष्ट ना होना, यह दोनों हमारी मानसिकता और हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। सरकारें हमें क्या देंगी और सरकारों से हमें क्या मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी ने पूरे विश्वास से हमें कहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी 93,110,000 कर्मचारियों की इस कॉन्ट्रैक्ट रूल में ले रहे हैं और नियमित करने की घोषणा कर रहे हैं, करेंगे, और अब तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि किसी भी कर्मचारी का अनुभव भी सुनने नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करें।